जिला मुख्यालय ऊना में खुलने वाले पीजीआई सेंटर के लिए सरकार व पीजीआई चंडीगढ़ ने कदमताल तेज कर दी है। दो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज्वाइनिंग के बाद गुरुवार को पीजीआई की टीम ने ऊना अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीजीआई के विशेष दल ने सैटेलाइट सेंटर के लिए नागरिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चिन्हित 6 कमरों का जायजा लिया और बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कमरों में कई कमियां पाई गई। स्पेशल टीम ने इनकी हालत सुधारने के लिए जल्द विभागीय कार्रवाई करने को कहा। बताया गया कि स्थिति में सुधार आते ही पीजीआई से एमडी स्तर के डॉक्टर यहां ओपीडी शुरू कर देंगे। इस विशेष टीम में पीजीआई के प्रशासक सुधीर शर्मा, नोडल ऑफिसर राकेश सहगल व विपिन कौशल शामिल थे। निरीक्षण के समय दल के साथ सीएमओ डॉक्टर रमन कुमार व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निखिल सहोट भी उपस्थित रहे। उसमें पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर जैसे आपको पता है खोलना है, हमारे को लैंड मिल चुकी है, जमीन जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है हिमाचल की, वो आपको और जगह है, बट अब टेम्परेरीली हमने यहाँ शुरू करना है। वो जगह देखना है कौन से, उसमें क्या सामान चाहिए, क्या चाहिए। दो डॉक्टर तो अभी अपॉइंट हो गए हैं और भी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो अभी इसको हम थोड़ा एक्सपेंड यहाँ ही करेंगे। उसके बाद वो तो टाइम लगेगा दूसरे को शुरू होने में, तब तक यहाँ ही हम जो कोशिश करेंगे, और पीजे से और डॉक्टर भी आएंगे। कोशिश ये है कि स्पेशलिस्ट भी यहाँ आएँ, वो अभी फ्यूचर में ज़रूर आएंगे, सो दैट यहाँ के जो लोगों को उनको फायदा हो। सर फिलहाल कितने डॉक्टर्स यहाँ पर बिठाने की जो योजना तैयार की गई? कम से कम 6 से 7 लोग। तो क्या उसमें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, किस तरह के स्पेशलिस्ट? अभी प्लान तो यही है कि स्पेशलिस्ट भी होंगे और दूसरे भी। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक महत्वाकांक्षी योजना पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, उसका कैंप जो है शुरू किया गया है, क्या कहना चाहिए? मई 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ऊना में आए थे और ऊना में जनता ने और हम सब लोगों ने उनसे मांग की थी कि ऊना में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और उस समय उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई के साथ लगता सैटेलाइट हॉस्पिटल ऊना के लिए घोषणा की थी, जो 350 बेड का हॉस्पिटल होगा। उसके लिए जगह हम लोगों ने मलाहत गांव में देखी है, जो प्रदेश सरकार ने लैंड ट्रांसफ़र का केस आगे कर दिया है, कुछ दिनों के अंदर वो लैंड ट्रांसफ़र हो जाएगी, और पीजीआई के माध्यम से कुछ डॉक्टर्स जहां पर भेजे भी गए और आने वाले समय में कुछ डॉक्टर्स और बैठेंगे, उनको क्या क्या ज़रूरत है उनकी, उनको देखने के लिए चंडीगढ़ से सीनियर डॉक्टर्स आए हैं, उनका अन्य स्टाफ आया हुआ है, 2 डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी किया है, तो उस सारी व्यवस्था को देखने के लिए आज वहाँ से आए हैं अधिकारीगण, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पर वो पहुँचे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से विकास कोंडल और मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।